जय श्री महाकाल हरिहर। योग का अर्थ है जोड़, जुड़ना, ज्वाइंट होना। पर कहा आंतरिक में शरीर मन बुद्धि एक हो जाना, स्वयं का मन बुद्धि एक हो जाना, योग हो जाना ही योग है। योग फिजिकल बेंडिंग नहीं है, ना फिजिकल स्ट्रेचिंग है, ना फिजिकल ट्विस्टिंग है। योग कई लोग ने सिर्फ इंटरनेशनल डे बना लिया है। योग सिर्फ दिन में नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं तो लोग आज से दिन भर करे जा रहे हैं, नहीं, या फिर रोज करे जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, या 2-3 घंटा कर लिए योग, ये नहीं है योग। योग का अर्थ है हर पल हर क्षण। प्रकृति सृष्टि हमसे योग है ही, जुड़ाव है ही, हम जुड़े हुए हैं, हम पंच तत्व से जुड़े हुए हैं लगातार, हर क्षण हर कण हर पल, वो योग है। हम जुड़े होके भी अलग रह महसूस करते हैं। तो जब तक मानव ने समझा नहीं है तब तक वो योग नहीं हो पाया। जुड़ के भी न जुड़ पाया, जुड़ के भी अलग हो गया, उसको बोलते अयोग्य। वहां अलग हो जाता है मानव, और दूर होके भी जुड़ना चाहता है, बात निश्चित है, ठीक है। पास आके बहुत दूर चले जाता है, और दूर होके पास हो जाता है आंतरिक में, आंतरिक से जुड़ना चाहता है। तो जुड़ाव ही योग है, ये बात निश्चित है। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, बाहर से फिट हो जाना कोई योग नहीं है, वो स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ की परिभाषा है जहां शरीर मन बुद्धि एक हो जाना, तब योग हुआ, जब फ्रिक्शन फ्री हुआ मानव, मन बुद्धि में फ्रिक्शन बंद हो गया, घर्षण बंद हो गया, दोनों स्वतंत्र हो गए और एक हो गए, ठीक है। वहां मानव मानसिक स्वतंत्रता आ गई, भावात्मक स्वतंत्रता आ गई, और पारिवारिक सामाजिक में हो गई स्वतंत्रता, किसी प्रकार का विरोध नहीं, वो है योग। किसी प्रकार का घृणा नहीं, वो है योग। किसी प्रकार की निंदा नहीं, वो है योग। किसी प्रकार की शिकायत नहीं, वो है योग। योग का अर्थ है अस्तित्व में समाहित होना। योग अर्थ है समाहित में रहना। प्रकृति सृष्टि हमारे अंदर समाहित ही है, ये पूरे पांच तत्व हमारे अंदर समाहित ही है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, आकाश तत्व, पूरा समाहित है और योग है, और इसी को धर्म कहा गया है। जल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अग्नि की अपनी प्रॉपर्टी है, वायु की अपनी प्रॉपर्टी है, मगर वो जुड़ाव है कि नहीं, वो मिले हुए आंतरिक में एक है। और तभी मानो धर्म होता है। धर्म इसको कहा गया है, योग को, जहां मानो अपनी भागीदारी दे, अपनी जिम्मेदारी के साथ एक हो। जब मानव में समझदारी आती है तो मानव में अपने आप ईमानदारी आई जाती है, और ईमानदारी आई जाती है तो वहां जिम्मेदारी ले लेता है मानव अपने आप, और जहां जिम्मेदारी ले लेता है अपने आप तो वहां अपने आप भागीदार होता ही है, वो पार्टनरशिप करता ही है, ठीक है बात।
बात समझ में आई। और फिर इसके बाद मानव, मानव योग में हमेशा एक होगा, एकत्व होगा, एकत्व होना है योग। बड़ा छोटा नहीं है ना, अच्छा बुरा कॉन्सेप्ट है। जब तक मानव अच्छा बुरे कॉन्सेप्ट में चल रहा है, अच्छे दिन बुरे दिन, बड़े दिन छोटे दिन, बड़े लोग छोटे लोग, अच्छे लोग बुरे लोग, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तब तक योग नहीं हो सकता। भूल जाओ, अब करते रहो योग, फिजिकल शारीरिक योग करते रहो, कोई मतलब नहीं है। मन मुटाव होता रहेगा, घबराहट होती रहेगी, वहां मानव का एंजाइटी होती रहेगी, क्योंकि उसने सत्य को नहीं जाना। और जब तक सत्य को नहीं जाना तब तक धर्म नहीं हो सकता, और जब तक धर्म नहीं हो सकता तब तक योग नहीं हो सकता। अलाइन नहीं हो सकता उसका मन बुद्धि, उसका एक विचार बन ही नहीं सकता। कुछ के कुछ सोच रहा है हर पल हर क्षण, क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। चिंता में चल रहा मानो, भूतकाल और भविष्यकाल में, वर्तमान में रह नहीं पा रहा। वर्तमान में रहना ही योग है। बात समझ में आई? तो योग में होना ही एकत्व है, एक तत्व हो जाना ही योग है, शिव तत्व हो जाना, शिवत्व आ जाना, हर तत्व में शिव देखने लग जाना, उसको योग बोला गया है। ठीक है। और योग ही मानव में केंद्रित करता है, यही एपिक सेंटर बनाता है। योग ही धर्म है, योग ही ज्ञान है, योग ही समृद्धि है। जब तक ये नहीं पाया, जब तक स्वयं में मानव योग नहीं होगा, एक नहीं होगा, तब तक मानव दूसरे के साथ भी एक नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। जब तक अपने आंतरिक से मन बुद्धि एक नहीं हो जाते, तब तक शरीर मन बुद्धि एक नहीं हो जाते स्वयं में, तब तक आप दूसरे के साथ कितना भी रह लो तब तक एक नहीं हो सकते हो बाहरी रूप में, ये बात बात निश्चित है। तो जब तक मानव स्वयं में एकत्र नहीं होगा, समतत्व नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम बनता नहीं है, तब तक समझ नहीं आने वाली, तब तक समृद्धि नहीं आने वाली, और तब तक आप उपकार भी नहीं कर पाएंगे और परोपकार भी नहीं कर पाएंगे, भले कितने भी भंडारे करते रहो आप, कितना भी बांटते रहो, वो बांटना बांटना ही नहीं हो पाया। बांटना क्या था, पाना क्या था, वो पता ही नहीं। समझना क्या था, समझाना क्या था, वो है योग। योग को समझना था और योग को ही समझाना था, ना ही सिर्फ शारीरिक में, मानसिक मनोवैज्ञानिक भावात्मक स्वरूप में। बात समझ में आई? तो स्वयं और समग्र अस्तित्व को मैं समझकर, ठीक है, स्वयं समग्र को ही समझना ही योग है, और समझना ही साधना है। ठीक है। और अनुभव करना ही जानना है, वो है योग।
जब तक मानव के जीवन में केंद्रित नहीं होगा योग, तब तक मानव सत्य की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मेन जंक्शन पॉइंट है। इसके बगैर तालमेल बन ही नहीं सकता। बात निश्चित है, जब स्वयं में योग होगा तब आप किसी मानव के साथ भी जी सकते हैं, रह सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बात निश्चित, ठीक है? बात संपूर्णता स्वरूप में बिल्कुल समझने वाली बातें हैं, इसके बगैर प्रयोजन बनता ही नहीं है, ठीक है? तो इज द एपिक सेंटर, ठीक है? तो मानव को यह असली योग है। तो स्वयं से जुड़ें, समग्र से जुड़ें, और वो जुड़े है ही, वो जुड़ा है ही, पर बुद्धि में केंद्रित नहीं हो पाया, बुद्धि जागृत नहीं हो पाई और मानव भ्रमित रहा और बहुत सारी उसके साथ दुर्घटना होती रही और वो दुखी उसका जीवन चलाता गया। तो जीवन को जीना है सुखी पूर्वक, जीवन को यात्रा सफल करनी है इस जीवन यात्रा में, तो योग में होना होगा, ठीक है? जय श्री मां काल, हरिहर।